मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं प्रियंका ब्लॉग। और आज हम जानेंगे कि आपके घर पे पड़े जो दही है, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रही है, दही दही से कैसे बिल्कुल आप चांद सा निखार पा सकती हैं। हम सबको पता है लॉकडाउन तो फिनिश हो गया है, पर अभी जो नियम है, जो शर्तें हैं, उनके संग सारे शॉप्स ओपन हो रहे हैं, पार्लर भी टाइम के साथ ही ओपन हो रहा है। ऐसे में हम लेडीज को जो बाहर भी वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम है, घर का काम, घर पे ऑफिस का काम, ये सारा करते हुए बाहर जाकर फेशियल कराना इट्स टू टफ, एटलीस्ट फॉर मी। मुझे पता है कि कितना टफ हो जाता है खुद के लिए टाइम निकालना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे पड़े दही से चुटकियों में पाइए बिल्कुल चांद जैसा निखार। आपको पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, वी ऑल नो गणेश चतुर्थी अभी अभी स्टार्ट हुई है और आप फेस्टिवल स्टार्ट रहेंगे, तो लॉकडाउन है दैट मीन्स कि ये तो नहीं कि हम फेशियल्स ना करें, ये उसका मतलब ये नहीं है कि हम सुंदर ना दिखें, हम सबका हक है भाई। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि दही से कैसे आप निखार पा सकते हैं, कैसे रेडिएंट सुपर ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फेशियल की ओर। बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होगा दही, क्लीन माउथ और साफ कपड़ा, क्योंकि हमें जो एक्सेस ऑयल, इसमें जो एक्सेस वाटर है वो हम डालना है। रोज वाटर, जस्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर ही हम लोग ऐड करेंगे इसमें। और इससे पूरे चेहरे को साफ करेंगे। आइए चलिए इसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्लींजर रेडी हो गया है। इसे हमें पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से अप्लाई कर लेना है। दही में होती है प्रोबायोटिक्स जो आपके स्किन को बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश लुक देती है। बिल्कुल ही एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करेगा ये कंकड़ या जो भी हमने दही से पानी निकाला है। उसके बाद अच्छे से आपको मसाज कर लेना है पूरे चेहरे पे। और ये क्लींजर आप कभी भी यूज कर सकती हैं, इसका लाइक दैट की खाली फेशियल के टाइम ही यूज करना है। नेचुरली बहुत अच्छा होता है ये, बहुत ही हेल्पफुल है, ग्लोइंग स्किन देगा। पूरे चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद इसे जो है 3-4 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लीजिए फिर से धो लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अपना जो है क्लींजर वो धो लिया है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर जो है हमारा स्क्रबिंग, और ये देखते हैं स्क्रबिंग में क्या क्या चाहिए होगी। स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए क्लीन बाउल, हनी, मैंने डाबर हनी यूज किया है, दही, ऑफकोर्स दही फेशियल है, दही स्क्रबिंग करेंगे तो दही चाहिए होगा, राइस फ्लोर एंड हाफ लेमन का यूज हम करेंगे इसमें। तो पहले हम अपना स्क्रबिंग का जो मेन एजेंट है वो हमारा राइस फ्लोर, एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। अराउंड 1.5 टेबल स्पून में राइस फ्लोर ले रही हूँ। उसके बाद हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून हमारा जो है कर्ड, मतलब दही। दही आपकी जितनी खट्टी हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही अच्छा फेशियल होकर आता है। एंड फिर मैं इसमें लूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। ओ माय गॉड, तीनों ही एक बिल्कुल मैजिकल कॉम्बिनेशन देते हैं, मैजिकल ग्लो आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं ले रही हूँ 1/2 लेमन, आपको बस स्क्वीज कर देना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा होम मेड नेचुरल दही फेशियल का स्क्रब जो है वो रेडी हो गया। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं दही स्क्रब कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा स्क्रब रेडी हो गया, तो चलिए इसे अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करते हैं। इस स्क्रब में हमने यूज किया था दही। दही में लैक्टिक एसिड एंड प्रोबायोटिक्स है जो आपके स्किन को नरिश करता है और साथ ही क्लीन भी कर देता है। साथ में हमने इसमें यूज किया था राइस फ्लावर। राइस फ्लावर आपके स्किन को बैडन अप कर देगी, आपके एक्नेइंग और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगी। साथ साथ इसमें जो विटामिन बी एंड मिनरल्स हैं वो आपके स्किन में न्यू सेल जनरेट करने में हेल्प करेंगे। इसमें साथ में हमने यूज किया था लेमन। लेमन जूस जो है एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो अगेंस्ट स्पॉट प्रोडक्शन एंड आपके स्किन पोर्स को ओपन करके क्लेंस आउट करने में हेल्प करेगा। साथ साथ हमने इसमें यूज किया था एंजाइम्स, तो आपके ओपन पोर्स और
स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, आपके क्लॉक को साफ करेगी और स्मूथ एंड सफल बनाएगी। इसमें कुल मिला के जितनी भी चीजें हमने यूज की है, राइस ब्रा, हनी, दही एंड जो हमारा लेमन है, चारों के चारों बहुत अच्छे क्लेंजर हैं। आपके स्किन की बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे और आपके डेड सेल्स रिमूव कर देंगे, जिससे कि आपकी स्किन ग्लोइंग, रेडिएंट और ब्राइटन लगने लगेगी। इस स्क्रब को आपको अपने चेहरे पर 5 मिनट मसाज करने के बाद लगे देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडे पानी से स्क्रब उतार लिया है, मेरी स्किन लाइटन अप हो गई, स्मूथ हो गई, क्लीन एंड क्लियर फील कर रही हूँ। तो इससे पहले हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले, जो आप सोच रहे हैं उनकी मसाज क्रीम है। इस फेशियल में हम हाँ एक डबल एक्सफोलिएशन प्रोसेस करेंगे। जी हाँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस स्क्रबिंग के बाद आप एक और एक्सफोलिएशन मेथड फॉलो करेंगे, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल लाइटन अप हो जाएगी। ऐसा मैंने बोला है, चांद सा निखार वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये डबल एक्सफोलिएशन मेथड में क्या है। मैंने आपको बताया कि स्क्रब के बाद हमें डबल एक्सफोलिएशन मेथड करेंगे, उसके लिए लेंगे हम पाउडर शुगर और ये हमारा टमाटो, इसको इसमें डीप करके इस तरह से डीप करेंगे ये देखिए, और अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रबिंग के बाद डबल एक्सफोलिएशन मेथड का जो लास्ट स्टेप है वो हमें करना है, शुगर डीप टमाटो को पूरे चेहरे पे अप्लाई करेंगे। टमाटो से आपके स्किन के डार्क स्पॉट लाइटन कर देती है और टैनिंग रिमूव करता है, साथ में ग्लोइंग स्किन मिलती है। शुगर में होती है ग्लाइकोलिक एसिड, जो केमिकली एक्सफोलिएट करती है आपके स्किन को और डेड स्किन रिमूव कर देती है, इससे आपकी स्किन जो है ग्लोइंग, रेडिएंट और ब्यूटीफुल हो जाती है, बिल्कुल आप फ्रेश महसूस करते हो। इस मेथड को, इस एक्सफोलिएशन मेथड को आपको जो शुगर और टमाटो का जो एप्लीकेशन था चेहरे पर, आपको 5 मिनट तक लगे रहने छोड़ना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। का पैन दिया है मैंने, जो मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए बिल्कुल कम आंच पर रखा है, और मैंने इसमें तेल लिया है, कोकोनट ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून हमारे मसाज को बनाने के लिए, पैराशूट का लिया है, आप किसी भी कंपनी का लें। और अब जो है हम इसे इसमें डाल देंगे, हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है। देखिए जो है वो भाप निकल रही है। अब हम इसमें जो हमारा डालेंगे, गैस ऑफ कर देते हैं। कोकोनट ऑयल लिया था, उससे थोड़ा ज्यादा हम टर्मरिक लेंगे, तो मैं इसमें जो है डाल रही हूँ, ये देखिए। मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है टर्मरिक यूज कर रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हमें इसे जलाना नहीं है, देखिए। और अब हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा दही, और उसके बाद जो हम इसे ग्राइंडर में एक बार चला लेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल स्मूथ सा क्रीम रेडी होकर सामने आ जाए। हमने जो है अपना आगे का प्रोसेस करना है। अब ये हमारा हल्दी और कोकोनट का मिक्सचर है और ये हमारा दही है, तो मैं जैसे सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं लूंगी। मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून दही लिया है, मेरा जो चम्मच है वो स्मॉल है। और अब जो है इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे, और इसको डालने के बाद जो है हमें इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हुआ। देखिए मैंने ग्राइंडर में निकाल लिया था, उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद इस तरह का बिल्कुल स्मूथ क्रीमी क्रीम जो है मसाज क्रीम रेडी हो गया है, और मुझे बहुत पसंद पड़ता है ये क्रीम, और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही ग्लोइंग रेडिएंट स्किन देता है। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाज क्रीम है मैंने कैसे रेडी किया तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ मैं, तो चलिए उसे अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पे। इस मसाज क्रीम में मैंने यूज किया था कोकोनट ऑयल, हल्दी और दही। कोकोनट ऑयल जो है वो आपके स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है, साथ साथ प्री मच्योर एजिंग से भी ये आपके स्किन को बचाता है, इसलिए कोकोनट ऑयल जो है स्पेशली बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो आपके स्किन को वो किसी तरह के फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, आपके स्किन में ग्लो ऐड करता है, आपके स्किन को क्लेंस आउट करता है,
और साथ में हम इसमें दही लिया। ऑब्वियसली दही फेशियल है तो दही में लैक्टिक एसिड जो है वो आपके स्किन को नेचुरली क्लेंस आउट करती है और आपके डेड सेल्स रिमूव करके आपको ग्लोइंग स्किन देती है। ये पूरे मसाज को आपको 15 टू 20 मिनट तक अपने पूरे स्किन पे करना है और स्पेशली मुझे ये इस तरह का मसाज बहुत पसंद है सारे टारगेटेड एरियाज पे। और जैसे ही आप ये मसाज कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका स्किन जो बिल्कुल ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस मसाज को पूरे 20 मिनट तक आप करें और 20 मिनट के करने के बाद जो है इसे वार्म वाटर से वॉश आउट कर लें। तो चलिए इसे धो लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना मसाज क्रीम रिमूव कर लिया है। मसाज के बाद 15 टू 20 मिनट्स आपको मसाज क्रीम अपने चेहरे पर छोड़ देना है और उसके बाद मैंने वार्म वाटर से अपना चेहरा जो है वो क्लीन कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट स्टेप पे जो है हमारा फेस पैक। एक बार बता दूं, ये जो फेस पैक मैं बताने जा रही हूँ ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं, इसका लाइक दैट की सिर्फ फेशियल में। तो चलिए आइए जानते हैं कि फेस पैक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बनाने के लिए हमें एक क्लीन बाउल में चाहिए दही, ऑफकोर्स दही फेशियल है तो दही तो चाहिए ही होगी हमें, और उसके संग हमें चाहिए होगा टमाटो पल्प, हाफ टेबल स्पून इज एनफ, और उसके साथ हमें चाहिए अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ पपाया पल्प। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डालें, नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। और इसके साथ मैं डालने वाली हूँ ऑरेंज पील पाउडर 1.5 टेबल स्पून। और अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा फेस पैक रेडी हो गया है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो दही आपने इसमें डाला है और ऑरेंज पिल डाला है, पपाया पल्प डाला है, टमाटो पल्प डाला है और मैंने हल्का सा गुलाब जल ऐड किया है, दैट्स एनफ। पर अगर आपका बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप दही के संग इसमें 1 टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा एक्निंग प्रोन है, वैसे तो इसमें मैंने जो भी चीजें यूज की मैं आगे बताऊंगी कि वो एक्निंग के लिए भी काफी अच्छी है, एक्निंग स्पॉट्स एंड जो एक्निंग आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने उसके लिए भी। पर उसके बावजूद भी अगर आपके स्किन पे बहुत भर भर के ऑयल सीक्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा बम्प्स हैं आपके स्किन पर, तो आप इसमें इन सारे चीजों के साथ साथ 1/2 टेबल स्पून नीम पाउडर डाल सकते हैं या नीम पत्तों को क्रश करके डाल सकते हैं, एंड इसमें जो है 1/4 टीस्पून आप दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। उनके लिए है ये, जी हाँ, जिनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा एक्निंग प्रोन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं इस फेस पैक को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फेस पैक रेडी हो गया है और चलिए मैं इसे अपने चेहरे पर ब्रश के हेल्प से लगा रही हूँ। इस फेस पैक में हमने यूज किया था पपाया पल्प। पपाया पल्प में पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके स्कार्स और ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो रिमूव्स डेड स्किन फ्रॉम योर स्किन, डेड सेल्स को रिमूव करता है, वो डेड सेल्स जो आपके स्किन के पोर्स को क्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से फिर आपको एक्निंग और पिंपल्स की समस्या होती है, उसको ये खत्म करते हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें यूज किया टमाटो पल्प। अगेन आपको शायद पता नहीं होगा पर टमाटो में बहुत भारी मात्रा में, भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को एंटी एजिंग और आपके स्किन डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं, और इसके साथ साथ वो आपके पोर्स को टाइटन करते हैं और आपको एक्निंग से भी बचाते हैं। और इसके साथ हमने यूज किया था ऑरेंज पील पाउडर। अगेन ऑरेंज पील पाउडर ऑल्सो कंटेन अ लार्ज अमाउंट, बहुत भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है। और हम सबको पता है कि विटामिन सी जो है हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है, हमारे स्किन को एक यंगर लुक देती है, हमारे स्किन को पील एंड क्लियर बनाती है, हमारे स्किन पे हो रहे एंटी बैक्टीरियल और प्रॉपर्टीज है उसमें, इस वजह से वो हमारे स्किन पे हो रहे एक्निंग को रिड्यूस करती है। तो ये तीनों भी का काम होता है हमारे स्किन को क्लीन क्लियर और पिंपल एक्निंग फ्री बनाना। इसके साथ साथ एक्सेस ऑयल भी कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने इसमें लास्ट में यूज किया था दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो नेचुरली आपके स्किन से डस्ट और डर्ट को रिमूव करता है। इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज़ अ ब्लीचिंग एजेंट, एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है दही, आपके चेहरे पर जो है काम करता है बिल्कुल एक ब्लीच की तरह। तो चारों मिलकर आपको बिल्कुल एक ग्लोइंग और हेल्दी लुक लगता है। इस फेस पैक को अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें, उसका धो लें।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चेहरे से फेस पैक रिमूव कर लिया है। मेरा चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग हो गया है, बिल्कुल रेडिएंट लग रहा है, सुपर सॉफ्ट और सफल हो रहा है, क्लियर एंड क्लीन हो गया है। जस्ट बिकॉज फेस पैक में जितनी भी चीजें यूज की थी उनका मेन एम होता है इस चीजों का, आपके स्किन से डेड स्किन को रिमूव करना, डेड सेल्स को रिमूव करना जो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं, आपके स्किन का डल लुक देते हैं, आपके स्किन पे एक्ने, फंगल इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इन सब को ये क्लियर आउट करता है, ब्लीच करता है, आपके स्किन से डस्ट और डर्ट भी रिमूव करता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, और साथ साथ आप विटामिन सी जो है इसमें वो आपके स्किन को बिल्कुल रिपेयर करके आपके सेल्स को एक ब्यूटीफुल क्लियर सॉफ्ट यूथफुल स्किन देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप इन चीजों को करेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में आपको, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, चांद सा निखार मिलेगा आपको, बिल्कुल चांद जैसा चेहरा हो जाएगा आपका। तो पार्लर के झंझट में क्यों पड़ना है, पार्लर को छोड़िए, घर में बैठे बैठे आप ये DIY फेशियल, दही फेशियल, दही से फेशियल, योगर्ट फेशियल, जो भी आप बोलना चाहें वो आप यूज करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड वंस मोर प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, थैंक यू।